नमस्कार। स्थिर राशि वृश्चिक राशि बहुत मजबूत और ऐसे व्यक्ति बड़े इमोशनल और बहुत अच्छे से महत्वाकांक्षी सिर उठा करके इज्जत के साथ जीने वाले वृश्चिक राशि वाले होते हैं। दूसरों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना तथा आजकल इनके लिए सफलता के द्वार और वरदान प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य मंगल आपके एकादश भाव में आपके लिए सारे सुख सुविधा बटोर करके ला रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां और बढ़िया जमीन फ्लैट प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए 25 मार्च 2025 तक जितनी संपत्ति खरीदनी है खरीद लो। और भी अच्छे अच्छे आपके घर में उपकरण आएंगे। कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आइटम लगाएगा, घर को सजाएगा, आपकी बहुत अच्छी मजबूत गाड़ियां होंगी। इसी के साथ साथ आपके प्रभुत्व को बढ़ाएगा। आपके शत्रु जो आपको नुकसान दे रहे थे अब उनको नुकसान होगा। दुश्मन अपने को हारा हुआ महसूस करेगा। बस वृश्चिक राशि वालों को अपने कॉन्फिडेंस को निरंतर बढ़ा करके रखना है। सूर्य कष्ट देता है मैं मानता हूं, लेकिन आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी व्यापार आदि में निरंतर उन्नति देने के लिए आ रहा है। अगला महीना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। उससे अगला महीना 15 अक्टूबर के बाद यात्राएं ज्यादा होंगी, खर्च अधिक होगा, व्यर्थ की भागदौड़ होगी, आलस्य भी रहेगा शरीर में। इसीलिए सोच समझकर फैसले लें। आपके नेत्रों में कष्ट दिक्कत परेशानी फिलहाल वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी जायदाद स्थानांतरण की संभावनाएं भी चल रही है। जो लोग नौकरी में हैं भले ही थोड़ा सा आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए या जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं उस कुर्सी से आपका बदलाव संभव है, ऐसा ग्रह आपका चल रहा है। तो वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो, स्थानांतरण का योग बनाता है। ग्रह इस बात के लिए जाना जाता है, इसीलिए तो हम ग्रहों को मानते हैं। अगर ये ग्रह अपना काम नहीं करते तो फिर हम इनको क्यों मानेंगे। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की उपासना, पीपल को जल देना। अभी चूंकि वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, वो बात अलग है कि वो वक्री है। जिस दिन ये मार्गी होगा तो आपको प्रॉपर्टी भी देगा, पैसा भी देगा, लेकिन शांति भी भंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सन 2025 मार्च तक आपके लिए पैसा, प्रॉपर्टी, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान तथा कई प्रकार की व्यस्तताएं, आपको इतने काम सौंप देगा ये शनि कि आप बिजी हो जाएंगे। एक और काम कुछ भी नहीं हो पाएगा ढंग से। अंग्रेजी में कहावत है बिजी विदाउट वर्क, काम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप बिजी हैं। पैसे के लेन देन से बचें। चेक के द्वारा जो पेमेंट किया है आपने या किसी ने दिया है उस पर विवाद संभव हो सकता है। विदेश की यात्राओं से संबंधित कुछ झगड़े रगड़े अशांति और वैमनस्य के साथ साथ कुछ शत्रु आपसे चिढ़ करके परेशान करेगा या आपके लिए कुछ ऐसा कारण बन जाएगा कि आपको विदेश से अपने देश में लौट कर आना मजबूर हो जाए, मजबूरी होगी आपकी। और आपको ये डर लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं दोबारा विदेश ना जा पाऊं। इसी पेशो पेस में वृश्चिक राशि वाले इस समय अपने आप को व्यथित और कुंठित समझ रहे हैं। तो आपके लिए अपने इष्ट देवता कुल देवता की आराधना करें, डरने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास बनाए रखें। ग्रह और नक्षत्र आपके पक्ष में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।